देखिए अब संगठन को क्या आप तोड़िएगा, अब सब जागरूक हो चुके हैं। दादा का माटी जमीन जंगल जो हम लोग को 23 साल से बेचने का काम किया है वो अब हम लोग जाग चुके हैं। लेकिन दादा का कोई पद में नाम रखते हुए भी आज कि आज पूरा क्षेत्र में 12 करोड़ 36 लाख का कितना मुआवजा दिलाया है, तो कहीं ना कुछ अपना अगर कुछ उसका उतना होता तो कहीं ना कोई फैक्ट्री से उसको फंडामेंटल देता, उसको घुस दे रहा होगा, तो नहीं ले रहे हैं। तो अगर वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करे तब ना आने वाला कल को अच्छा कि आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नहीं तो गांव में आप चले जाइए जहाँ जैसे हम लोग जाते हैं विस्तार किए जाते हैं, तो एक समय में कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं होता था, मगर आज झारखंड को लेकर सब चाहते हैं कि एक नया झारखंड बने, पहचान बने। और झारखंडी है, झारखंडी होने में हर दुख दर्द को उन्होंने समझा बुझा। अभी देखे छात्र पे जो स्थानीय नियोजन जितना भी आ रहा है, आप सोचिए सिर्फ भाषा को लेकर था, आज भाषा के साथ साथ जल जंगल जमीन रोजगार और एजुकेशन सबकी बात करते हैं और सभी का लड़ाई वो लड़ने के लिए। सबसे पहले आपके वीडियो माध्यम से जो भी दर्शक देखे उनको हरियाणी जोहार। मेरा नाम प्रमोद कुमार पासवान और भूमिया प्रखंड के कोषाध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है युवा मोर्चा जी। अच्छा दादा, आज झारखंड 24 साल ऊपर ठीक है, लेकिन आज तक झारखंड पहचान नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो झारखंड अलग होने का जो 2000 में जब अलग हुआ था तो ये अलग इसलिए हुआ था कि ताकि पहचान मिल जाए, और आज देखिए दुर्भाग्य के बाद 24 साल के बाद हम पहचान ढूंढ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने राजनेता रहे हैं और अभी जो उपस्थित हैं जो राजनेता अभी जो भी पार्टी में है अपने गद्दी में, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ से ही ये चीज़ गलती हुई है, और तभी तो आज के युवा जो हमारे जयराम दादा हैं टाइगर जयराम दादा इस पहचान के लिए लड़ रहे हैं। टाइगर दादा का आप किस नजरिए में देखते हैं? हालांकि नजरिया उनकी मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो मैं तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह जल जंगल माटी की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, और जिस समय मुझे जैसा लगता है कि जिस समय उनके अपनी एक युवा को एक जवान को अपनी जवानी जीने का शौक लगता है वो उस चीज को छोड़ के वो अपने सत्ता में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस झारखंड का नवनिर्माण है, तो मुझे लगता है कि अगर ये मौका अगर जयराम दादा को मिलता है मुख्यमंत्री रूप में तो शायद ये झारखंड का नवनिर्माण होने में हमें बड़ा ही बड़ा बिल्कुल। अगर ये आप कह रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, आज के समय में झारखंड के लिए भी एक उगता हुआ कहते हैं ना कि अंधेरे में है ना, अंधेरे में एक दिए की तरह है वो भी सबके लिए भी रोशनी है, और बहुत ही युवा पीढ़ी है चाहे वो पुरुष हो महिला हो सब उनसे बहुत प्रभावित है, और आज की विचार मतलब देखा जाए तो बहुत कोने कोने में आप गांव में चले जाइए, गांव कस्बे में चले जाइए, छोटे छोटे घरों में चले जाइए, आज अगर कोई जागरूक अगर बात अगर कोई कर रहा है तो वो हमको लगता है कि उससे जयराम दादा के प्रभावित होने से ही वहाँ पर राजनीति आज लोग समझ भी रहे और झारखंड में जान रहे हैं कि आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नहीं तो गांव में आप चले जाइए जहाँ जैसे हम लोग जाते हैं विस्तार किए जाते हैं, तो एक समय में कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं होता था, मगर आज झारखंड को लेकर सब चाहते हैं कि एक नया झारखंड बने, पहचान बने, और ये पूरा श्रेय आता है जयराम दादा। झारखंड के नूतन निर्माण के लिए क्या डॉक्टर जयराम माथो इस सांसद को जो रथ चला रहे हैं उसमें कहां तक सफलता पाएंगे? सफलता यहां पे देखा जा रहा है लोकसभा डीडी से जो लड़ेंगे तो लगभग मैं 100% है कि ये दादा का जीत होगा, ये गारंटी है, क्योंकि हम जहां तक जहां हम आदिवासी से बिलोंग करते हैं, सांथाली भाषा से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले दादा के एक्टिव में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए तो कहीं ना कहीं अभी पूरा सांथाल भाई लोग भी आते गए, और हमको पूरा क्षेत्र में लग रहा है कि पूरा क्षेत्र में जितने डीडी लोग जितने भी मेरे सांथाली भाई लोग हैं तो लगभग मैं आ चुके हैं। आप अपने समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जितने भी मेरे समुदाय के या मेरे कास्ट के, और कास्ट के तो पूरा सबसे पहले जागरूक हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं अभी सो रहे हैं, यहाँ तक तो बोलेंगे कि सो तो नहीं रहा है लेकिन थोड़ा जगे नहीं उतना अच्छा से,
लेकिन सोचेंगे कि जहाँ तक लगभग मैं कि जितने भी आप लोग हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी आदिवासी हैं, आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तब आने वाला कल को हमारे झारखंड का नवनिर्माण। कुछ ऐसे लोग गाँव में बोलते हैं कि ताकत जयराम मांगत क्या सांसद से चुनाव होंगे तो जीत जाए, ठीक है, उसमें कहें कि वो भी बदल ना जाए, सही बात, बूढ़े हो या कोई भी ये सवाल करते हैं। जी जी, ये सवाल तो हम उसमें करते हैं कि सही में बदल तो नहीं जाएंगे, लोग तो बहुत कुछ बोलते भी हैं करते नहीं हैं, लेकिन दादा का जो भी नौजुवक है वो देखिए, नौजुवक लोग लड़का लोग ही काम करते हैं, उसकी भावना है, आने वाला कल को भविष्य को वही बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार इतना तो झारखंड अलग होने के बाद बहुत सारे मंत्री बने, बहुत पार्टी का मंत्री बने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नया नहीं दिखने मिला। लेकिन दादा का कोई पद में ना रहते हुए भी आज कि आज पूरा क्षेत्र में 12 करोड़ 36 लाख का कितना मुआवजा दिलाया है, तो कहीं ना कुछ अपना अगर कुछ उसका अपना होता तो कहीं ना कोई फैक्ट्री से उसको फंडामेंटल देता, उसको घूस दे रहा होगा, तो नहीं ले रहे हैं, तो अगर वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करे तब ना आने वाला कल को अच्छा होगा। हाँ तो बताइएगा कि 2024 में सांसद के रूप में जयराम महतो को आप देखना चाहते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल देखना चाहते हैं, और हम नहीं, ये पूरा गोमिया प्रखंड का 36 पंचायत उनको देखना चाहते हैं, जो हमारे गोमिया प्रखंड का जो 36 पंचायत है, मैं अभी उनका बारे में कहीं हर जगह हर दौरा किया हूँ, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इस बार जो सांसद हमारे आएंगे गिरिडीह का, वो जयराम महतो जी ही रहेंगे, और वो काफी बोला जाएगा एक इतिहास बहुमत हमारी। तो जैसे कि अब बोला जाता है कि जयराम महतो महतो की पार्टी, क्या सब गलत है? आप एक मुसलमान फैमिली से आते हैं, मुस्लिम कास्ट से आते हैं, क्या सही बात है? देखिए अभी तो कहीं ना कहीं साजिश है कि ये महतो का पार्टी बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये महतो का पार्टी रहते तो हम मोहम्मदन आज केंद्र में क्या करते, और ऐसा अगर साजिश, अगर जान रहे हैं कि अभी इनका विपक्ष जितने भी दल से है वो जान रहे हैं कि अगर इनको तो अगर पल्ला तो भारी पड़ गया हर जगह से, तो कोई ना कोई नुक्स निकालने का, कोई संगठन तोड़ने का बात में लास्ट साजिश हमको लग रहा है कि ये ऐसा बोलेंगे तो टूट जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ वो लोगों को जो विपक्ष है कि देखिए अब संगठन को क्या आप तोड़िएगा, अब सब जागरूक हो चुके हैं, दादा का माटी जमीन जंगल जो हम लोग को 23 साल से बेचने का काम किया है वो अब हम लोग जाग चुके हैं, दादा के विचारों से आज पूरा झारखंड जाग चुकी है, और पूरा गोमिया विधानसभा जाग चुकी है कि आने वाला हम लोग तो खुद ये जनता ही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। दादा अभी हाल में कल परसों रिजल्ट आया पीजीटी का, उसमें 70% बाहरियों का नौकरी हुआ और आपका 30% झारखंड में, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए इसमें तो हमको तो सिंपल से लग रहा है कि अभी जितना भी अभी जो भी नौकरी का बात होता है यहाँ, अब बहुत ऐसा प्लांट में भी देखे होंगे जो अभी नजदीक हमारा ओरिका है, ONGC है, NTPC, TTPL, जितना भी प्लांट हमारे पूर्वी क्षेत्र के नजदीक में, अभी वहाँ पे सबसे ज्यादा तो यहाँ बेचा जाता है, अपना नौकरी भी खरीदा जाता है यहाँ से, बेचा जाता है, तो लेने वाले उनमें से है जो बाहर से लोग आते हैं, उन लोग डायरेक्ट तय करके आते हैं कि हमारे झारखंड में नौकरी लेना है, और वो लोग पैसा लेकर आते हैं हमारे झारखंड के पास, लोग मजदूरी करते हैं यहाँ, तो पैसा एक घर चलाने के लिए मजदूरी करते हैं, 300 रुपये हाजिरी 250 रुपये हाजिरी में काम करके अपने पेट पालते हैं, तो बच्चों को उतना नौकरी लेने के लिए उतना सब संभव नहीं है पैसा, इसलिए लोग 5 लाख 10 लाख 50 लाख देकर बढ़िया बढ़िया जॉब यहाँ से झारखंड से खरीद ले जाते हैं। आपसे हम सवाल करते हैं, क्या सांसद बनने पर हमारे 1932 का जो मांग है, क्या इस बात को लेकर वो सांसद बने जयराम दा आवाज उठाएंगे? निश्चित तौर पर वो सवाल उठाएंगे, ताकि झारखंडी है, झारखंडी होने में हर दुख दर्द को उन्हें समझा बुझा, अभी देख रहे छात्र पे जो स्थानीय नियोजन जितना भी आ रहे हैं, अगर हमारा घोरना नहीं रहेगा भाई हम लोग जाएंगे कहाँ, इस बात को हम आश्वासन देते हैं कि जरूर उठाएंगे। अच्छा आप बताइए, विस्थापन नीति हमारे यहाँ तो बहुत गोमिया बढ़ती है, लेकिन अधिकतर देख रहे हैं आप कि बाहरिया लोग का दबदबा बना हुआ है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बाहरिया लोग इसीलिए तो आज जयराम दा का साफ साफ बोल दिए ना, बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, उड़ीसा उड़ियों का है, इसलिए झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं हुआ है? हम लोग को देखिए आज
यहाँ जेसी हो गया, टीटीपीएस हम लोग विस्थापित हमें दर दर भटक रहे हैं, बाहर से आते हैं पैसा रकम कुछ रकम दे के आके घुस जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इस लड़ाई में हम लोग सब युवा साथ में हैं, हम जो जितना भी बेरोजगार लड़का है सब साथ में है जगाम रखा, और इस बार हम लोग 24 में लगभग एक नया उदय होगा बिल्कुल, और यहाँ हमारा निश्चित तौर पे कहते हैं कि गोमिया से काफ़ी मतलब 80 या 20 का बीच हो गया, 80% है हम लोग गोमिया में सब डेडिकेसेस कर रहे हैं। सर लहर कैसा है गोमिया, मतलब गोमिया विधान गोमिया पूरा धुआं धुआं हो गया है। अच्छा डेडिकेसेस सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे आंसू के कुछ कार्यकर्ता भी है जो कहते हैं नहीं कोई वैसा यहाँ वैसा नहीं है टाइगर दत्त का, हम भी आंसू के थे पहले। अच्छा आप परिवर्तन का है क्या सर? परिवर्तन देखिए जयराम दा के विश्वास में आज हमको पहचान अगर मिला है तो जयराम दा की वजह से हमको मिला है। आज आज वो भी कोई ना कोई जयराम दा इससे पहले सीपी चौधरी को खुद वोट किए थे, कार्यकर्ताओं के ऊपर परिवर्तन हो, हम भी सीपी चौधरी को वोट किए थे, लेकिन आज हम लोग परिवर्तन करने के लिए क्यों आए? चार साल में कुछ नजर नहीं आया, पाँचवा साल अभी बीत रहा है तो उसमें देखिएगा सीनियापुर हर जगह आपको नजर आने लगेगा और काम दिखता नहीं है, बोर्ड नजर आता लेकिन काम दिखता नहीं, यही कहना चाहते हैं आप ना? जी हाँ बहुत बहुत कि अधिकतर अभी बच्चों को देखते हैं कि जिसके नाम से टाइगर का नाम लेते हैं बच्चे काहे ले रहे हैं, क्योंकि वो आज के डेट में झारखंड में यूनिक वर्ड जिसे बोलते हैं यूनिक चीज, वैसे टाइगर जयराम दा राजनीति के लिए यूनिक हो गए हैं, यूनिक इसलिए हो गए हैं कि उनका जो मतलब जो अभी राजनीतिक दौरा चल रहा है उनके बोलने का जो मतलब जो तरीका है या फिर जो जिस मुद्दे में बात करते हैं वो सभी लोगों को हर एक जनता मतलब बूढ़ा हो बच्चा हो या कम समझने वाला या ज्यादा समझने वाला मगर उनके बातों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, या लेडीज भी हो गांव देहात की लेडीज क्यों ना हो वो भी बहुत अच्छे से जयराम दा का भाषण को उनकी बातों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, समझ में भी आता है उनकी भाषण को। अच्छा बता सकते हैं कि टाइगर दा में क्या सोच है कि ये झारखंड नए निर्माण कर सकते हैं, इस बारे में तो बताइए। उनका सोच तो सबसे पहला था भाषा को लेके, अब सोचिए सिर्फ भाषा को लेके था, आज भाषा के साथ साथ जल जंगल जमीन रोजगार और एजुकेशन सबकी बात करते हैं और सभी का लड़ाई वो लड़ने के लिए तैयार है। पिछले और भी हमारे बहुत से सांसद विधायक वो भी तो भाषा दे रहे हैं और क्या 1932 के लिए लड़े हैं, लेकिन आज टाइगर दा क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने बोला था वो आज तक नहीं किया, आज 23 साल बीत गया 24 साल आज तक इतना विधायक सांसद हुए वो सब तो माटी के बात किया तक मतलब काम कहे नहीं किए, बाकी लोग ठगने का काम किया, माटी का ये जल जंगल जमीन का कुछ बात नहीं था, मुद्दा कुछ नहीं था, सिर्फ बोलो हम लोग को ठगने का काम किया। तो इस बार क्या लगता है आपको सांसद के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? बस टाइगर जयराम दा को और किसी को नहीं। कैसा लहर है यहाँ? हमारे यहाँ बहुत अच्छा लहर है और जहाँ जहाँ भी हम लोग घूमते हैं दौरा करते हैं, हम लोग कुछ 18 पंचायत का विस्तार भी किए हैं पंचायतों का, और हम लोग को वहाँ से बहुत अच्छा उम्मीद मिला है, बहुत अच्छा खुशी मेरा देखने से कि वहाँ के लोग खुद हम लोग को फोन करते हैं। अच्छा खुद फोन करते हैं दादा आज हमारे यहाँ आइए, आज हमारे यहाँ आइए, हम लोग जुड़ना चाहते हैं, हम लोग जुड़ना चाहते, बहुत सारे हमारे जितने भी साथी हम लोग जो दौरा में निकलते हैं या मतलब जो हम लोग फेमस हो चुके हैं कि दादा का पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं, दादा का पार्टी में है, तो बहुत लोगों का हम लोग हमारे पास गोमिया प्रखंड से बहुत लोगों का फोन आता है कि दादा हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ टाइगर जयराम दा के फेस की वजह से। अच्छा कहीं तो विचारों का कहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दबा के कारण आप नहीं बोलना चाह रहे कि टाइगर दा भी हो सकता है? नहीं क्या हम लोग किसी दबाव में नहीं है, हम लोग खुलेआम, आप मतलब खुलेआम है, खुलेआम किसी भी परिवार को दबाव नहीं, कोई पारिवारिक दबाव नहीं है, हम लोग दिन दिन भर अगर पारिवारिक दबाव होता हम लोग दिन दिन भर घर से बाहर आकर 9 बजे रात घर घुसते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद।